सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको हमारे चैनल से बहुत ही मदद मिलेगी। चाहे आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, इकोनॉमिक्स से हों, या फिर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड हों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स में हमने जो प्रीवियस वीडियो रही है उसमें हमने देखा कि मांग और पूर्ति की बात की, अर्थात डिमांड और सप्लाई को हमने देखा। अब डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही हम आज देखने वाले हैं कीमत का निर्धारण, अर्थात कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, प्राइस डिटरमिनेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं प्राइस डिटरमिनेशन। अब सबसे पहले हमने इसमें देखा था एक मांग वक्र और एक देखा था पूर्ति वक्र। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आएगी, वो आएगा प्राइस लेवल, अर्थात जनरल प्राइस लेवल निकल कर आएगा। तो उसे किस प्रकार से देखेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पर ये क्या है हमारा, आप कहेंगे ये है मांग वक्र। और अगर हम बात करें इसकी तो ये हमने पढ़ा है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, पूर्ति वक्र। एक मांग वक्र और दूसरा पूर्ति वक्र। अब जब ये मांग वक्र और पूर्ति वक्र कौन सा होता है, ये है आपका पूर्ति वक्र और ये है आपका मांग वक्र। अब मान लीजिए कि जो मांग वक्र में कौन होता है, तो वो होता है उपभोक्ता। यहां कौन है? उपभोक्ता है, ठीक है। और अगर पूर्ति वक्र की बात करें तो यहां कौन होगा? तो स्वाभाविक है यहां पर होगा उत्पादक। अब उत्पादक क्या करेगा? तो उत्पादक क्या है, एक विक्रेता है। अब आपको मान लेना है कि वह किसी भी वस्तु की कीमत उसने रखी 60 रुपए किलो। समझ रहे हैं? एक वस्तु है ये, उसके पास सामान है और उसे वो 60 रुपए किलो में बेचना चाहता है। ये एक मांग वक्र है और यहां क्या है, ये उपभोक्ता है। ये इसको 40 रुपए किलो में खरीदना चाहता है, ठीक है। लेकिन क्या दोनों की बात यहां बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर नीचे आएगा तो यहां पर दूसरे को भी ऊपर थोड़ा सा पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि ये अगर 60 रुपए बोल रहा है और ये 40 रुपए बोल रहा है, अगर ये दोनों 10-10 रुपए का मार्जिन कर दें, यानी कि वो 60 से 50 पर आ जाए और ये 40 से 50 पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा कि इनकी बात बन जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा, कीमत का निर्धारण हो जाएगा। अर्थात यहां क्या है, अगर ये कहें कि 50 रुपए किलो, ऊपर वाला है जो उत्पादक है वो कहे 50 रुपए किलो में दे सकता हूं, और जो उपभोक्ता है और वो 40 से कहे कि नहीं 50 रुपए में ले सकता हूं, 60 तो नहीं ले सकता, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बात बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, डिमांड बराबर सप्लाई। यहां पर आप मांग वक्र एक पूर्ति वक्र तो बना ही चुके हैं, तो इधर तो आपकी क्या थी, ये मांग और पूर्ति होती है। जब हमने दोनों वक्रों को दर्शाया है तो क्या है, यहां पर मांग पूर्ति है, और इधर क्या था, तो इधर आपकी कीमत है।
अगर इसे हम नोट करेंगे तो कुछ इसमें पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में वस्तु या सेवा की कीमत वस्तु या किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों अब बाजार की शक्तियां कौन कौन सी हैं? मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, मांग और पूर्ति अर्थात डिमांड और सप्लाई। वहीं पर जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को जैसा कि अभी आपने देखा था ग्राफ के द्वारा, तो उसमें यही दिखाया गया था कि जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, जैसा कि आपने देखा कि ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे थे, अभी जो हमने ग्राफ बनाया उसमें एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को संतुलित बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को संतुलित बिंदु कहते हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं ना, इसकी ये तो पूर्ति वक्र, ये मांग वक्र, और ये जो बिंदु है इस पर काटते हैं, जो इसी की बात कर रहे हैं कहते हैं, और उस पर निर्धारित कीमत को और उस पर निर्धारित और उस पर निर्धारित कीमत को संतुलित कीमत कहते हैं, संतुलित कीमत कहते हैं। अर्थात हमने यहां पर ये 60 रुपए थी, ये कह रहा 50 रुपए, तो 40 रुपए जो कीमत निकल कर आई वो क्या थी? संतुलित कीमत थी। संतुलित कीमत कहते हैं जिस पर उत्पादक व उपभोक्ता दोनों, जिस पर उत्पादक व उपभोक्ता दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर, कहने का तात्पर्य है कि जो मांग वक्र और पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं वो क्या है? एक संतुलित बिंदु है, और वहां पर डिमांड बराबर सप्लाई को दर्शाता है, अर्थात जो उत्पादक है और उपभोक्ता है दोनों ही संतुलित होते हैं।
और दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर संतुलन की स्थिति है, इसलिए दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, अर्थात किसी को फायदा और नुकसान नहीं पहुंच रहा है यहां पर। अब है अर्थव्यवस्था में संतुलन। अर्थव्यवस्था में संतुलन अर्थात बैलेंस इन इकोनॉमी, बैलेंस इन इकोनॉमी। अभी हमने जब यहां पर ये बनाया मांग वक्र और ये बनाया पूर्ति वक्र, ठीक है, ये जो बिंदु है जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, ई बिंदु जो कि संतुलन का बिंदु है, संतुलन दर्शा रहा है, यही क्या है, सामान्य कीमत स्तर है, सामान्य कीमत स्तर, अर्थात इसी को कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। अब अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है डिमांड सप्लाई, ये क्या है प्राइस अर्थात कीमत है, जिस बिंदु पर मांग व पूर्ति बराबर हो, जिस बिंदु पर मांग व पूर्ति बराबर हो उस बिंदु पर मांग व पूर्ति बराबर अर्थात उस बिंदु पर निर्धारित कीमत को सामान्य कीमत स्तर कहते हैं, निर्धारित कीमत को सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं फिगर के द्वारा। अब बात आती है किसी भी देश का विकास, अगर हम किसी भी देश के विकास की बात करें, किसी भी देश का विकास अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति पर निर्भर करता है, संतुलन की स्थिति पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर संतुलन की अगर स्थिति होती है तो अर्थव्यवस्था में अगर संतुलन की स्थिति होती है तो यहां पर देश का जो विकास है वो उस पर ही निर्भर करता है। अब हम आगे बात करें, अर्थात विकास अगर करना है तो विकास के लिए यह जरूरी है, विकास के लिए यह जरूरी है, क्या जरूरी है, तो यहां पर मांग और पूर्ति हमेशा बराबर हो, मांग और पूर्ति हमेशा बराबर हो, अर्थात जितनी हमें डिमांड है तो सप्लाई भी उतनी होनी चाहिए, तो यहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो, दोनों बराबर हो। यदि मांग बढ़े तो पूर्ति भी बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात अगर डिमांड बढ़ती है तो हमें सप्लाई भी बढ़ानी ही होगी,
और यदि सप्लाई बढ़ रही है तो हमें डिमांड भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी जो देश का विकास है वो संभव है। अब आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था में असंतुलन। ये तो आपकी संतुलन की स्थिति है। अर्थव्यवस्था में असंतुलन डिसबैलेंस इन इकोनॉमी, अब इसमें क्या होगा, डिसबैलेंस कब होगा? अब यहां पर क्या है कि डिमांड है अधिक है सप्लाई से, डिमांड क्या है अधिक है सप्लाई से, तो कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। कीमतें क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहीं पर अगर डिमांड अधिक है सप्लाई से तो कीमतें बढ़ी, अब कीमतें बढ़ेंगी तो क्या स्थिति होगी, तो यहीं पर इन्फ्लेशन की स्थिति भी हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं मुद्रा स्फीति। डिमांड अधिक होगी सप्लाई से तो क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी और मुद्रा स्फीति की स्थिति हो जाएगी। तो ये स्थिति कौन सी है, मुद्रा स्फीति। ये तो असंतुलन में आपको यहां दो पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो हमें पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि डिमांड अधिक है सप्लाई से और कीमतें क्या हो गया है, बढ़ गई हैं, तो क्या स्थिति है, मुद्रा स्फीति है ये। अब डिमांड अधिक हो रही है और ये सप्लाई कम हो रही है, तो कीमतें बढ़ रही हैं। अब हम यहां पर इसी स्थिति को और देखें, मुद्रास्फीति हो गई, दूसरा क्या है, उत्पादक और विक्रेता है उसको क्या होगा, लाभ होगा। उत्पादक या विक्रेता जो है उसको क्या होगा, लाभ होगा। इन्फ्लेशन में उत्पादक या विक्रेता को लाभ ही होता है। तो ये क्या है, एक तरह से देखें तो ये है विक्रेताधिकार बाजार, विक्रेताधिकार बाजार। और मान लीजिए कि बाजार में महंगाई हो और सप्लाई कम है सामान की, तो जो विक्रेता है वो जितना पैसा मांगता है उसे तो ले ही लेगा वो, तो क्योंकि सामान अधिक है ही नहीं, सप्लाई हो ही नहीं रही है, तो जो सामान है उसके वह अधिक पैसे भी ले सकता है। तो इसीलिए कैसा बाजार है ये, विक्रेता अधिकार बाजार है। अब यहीं पर ये असंतुलन में आपने देखा कि मुद्रा स्फीति हो गई, उत्पादक विक्रेता को लाभ हो गया, विक्रेता अधिकार बाजार हो गया। बाजार की वह अवस्था अगर इसे हम नोट करेंगे तो बाजार की वह अवस्था जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, लगातार तेजी से वृद्धि होती है, लगातार तेजी से वृद्धि होती है। अब लगातार तेजी से वृद्धि होती है तो इस अवस्था को मुद्रास्फीति या महंगाई कह
कहते हैं, तो इस अवस्था को मुद्रा स्फीति या महंगाई कहते हैं। तो एक तो आपने ये अवस्था देखी, अब ये बाजार कैसा है, जैसा कि हमने बताया विक्रेता अधिकार बाजार। बाजार की क्या अवस्था, विक्रेता अधिकार बाजार क्या है? बाजार की वह अवस्था जिसमें कीमतों पर विक्रेता का अधिकार हो जाए या विक्रेता का अधिकार हो जाए या फिर विक्रेता अपने पक्ष में कर ले, विक्रेता का अधिकार हो जाए या फिर जो कीमतें हैं कीमतों को विक्रेता अपने पक्ष में कर ले, अपने पक्ष में कर ले, इस अवस्था को ही विक्रेता अधिकार बाजार कहते हैं। इस अवस्था को ही विक्रेता अधिकार बाजार कहते हैं। समझ में तो आपको ये तीन बातें हैं, बस ऐसे ही काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, जब आप लिखा हुआ ये पंक्तियां पढ़ लेंगे, ये जो लाइनें हैं वो आप पढ़ लेंगे, तो आपको वहां पे क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अर्थात बाजार की वह अवस्था जिसमें की कीमतों पर विक्रेता का अधिकार हो जाए, जैसा कि अब सप्लाई ज्यादा हो नहीं रही, तो क्या है, विक्रेता अगर कोई भी सामान लेकर बैठा है तो वो 2-4 रुपए अधिक ही लेगा आपसे, कम नहीं लेगा। और अगर सप्लाई लगातार हो रही है या फिर सप्लाई अधिक है तो क्या होगा, आप उसे कहेंगे तो वो कम भी कर सकता है। लेकिन अगर सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई कम है डिमांड से, तो वह 2-4 रुपए और अधिक भी ले सकता है। अर्थात कीमतें उसी के पक्ष में है, उस पर अधिकार है कीमतों पर, किसका, विक्रेता का। इस अर्थव्यवस्था में विक्रेता या उत्पादक को लाभ होता है, जैसा कि हमने पहले ही यहाँ देख लिया है। और अगर हम क्रेता की बात करेंगे यहाँ पर, तो उसको क्या हो जाएगा, तो उसको हानि होगी। स्वाभाविक है महंगाई है, तो जो उपभोक्ता है उसको हानि ही होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक अवस्था हो गई ये, अब दूसरी अवस्था क्या है, सप्लाई अधिक है डिमांड से। क्या है, जो सप्लाई है वो अधिक है डिमांड से। अब कौन सी स्थिति आ जाएगी, तो अब कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब कीमतें कम हो गई तो क्या हो जाएगा, उत्पादक को हानि होगी, अब यहां उपभोक्ता को लाभ होगा। उपभोक्ता को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर हम यहाँ स्थिति कहें तो यहाँ क्या है, निरंतर तेजी से क्या हो रहा है, मुद्रा संकुचन। यह स्थिति क्या है, मुद्रा संकुचन की स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ बाजार किसके कब्जे में है, तो यहाँ क्रेता अधिकार बाजार हो जाएगा, क्रेता अधिकार बाजार हो जाएगा। अर्थात बाजार पर किसका अधिकार है, क्रेता का अधिकार है, क्योंकि सप्लाई अधिक हो रही है और खरीदने वाला कोई है नहीं। आपके पास सामान बहुत सारा रखा है, मान लीजिए ऐसी सब्जियां हैं
जो कि कल तक खराब हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे एज ए विक्रेता उनको बेचने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्रेता क्या करेगा कि वो 2-4 रुपए उन्हें सस्ती खरीदेगा, तो लाभ किसका होगा? क्रेता का ही होगा। तो वही स्थिति है ये, जब अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा तो सेवाओं की कीमतों में तेजी से, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में तेजी से गिरावट होने लगती है, तेजी से गिरावट होने लगती है, तो क्या होता है? इस अवस्था को मुद्रा संकुचन कहते हैं। इस अवस्था को मुद्रा संकुचन कहते हैं। अब बात करते हैं क्रेता अधिकार बाजार। क्या है ये? क्रेता अधिकार बाजार है। बाजार की व्यवस्था जिसमें, बाजार की वह अवस्था, कौन सी अवस्था है ये? जिसमें क्रेता कीमतों को अपने पक्ष में कर ले, जिसमें क्रेता कीमतों को अपने पक्ष में कर लेता है। सॉरी, अपने पक्ष में कर लेता है, अर्थात क्रेता का बाजार पर अधिकार हो जाता है, अर्थात क्रेता का बाजार पर अधिकार हो जाता है। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन की स्थिति में विक्रेता का बाजार पर अधिकार होता है, उसी प्रकार से मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्रेता का बाजार पर अधिकार होता है, वह कीमतों को अपने पक्ष में कर लेता है। तो ये आपका होता है क्रेता अधिकार बाजार। अब यहाँ पर उपभोक्ता को क्या हो जाता है? फायदा हो जाता है। जो उत्पादक है उसको क्या होता है? उसको नुकसान होने लग जाता है, अर्थात उसको हानि होती है। अब यहाँ पर जो स्थिति है ये आपने देखी कि देखिए, दो स्थितियां थी यहां पर, एक तो थी मुद्रा स्फीति की स्थिति है, दूसरी है मुद्रा संकुचन की स्थिति। ये दोनों स्थितियों में ही क्या हो रहा है? अर्थव्यवस्था में असंतुलन, अर्थात दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है, अर्थात प्रतिकूल है। अगर हमें देश का विकास करना है तो ये दोनों स्थितियां ही ठीक नहीं है। अब यहां पर एक फिगर है, फिगर कुछ यही है। यही आपका पूर्ति वक्र और ये आपका मांग वक्र है ना, और बीच में आपका ये हमने बताया कि सामान्य कीमत स्तर, अर्थात जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर।
अब देखिए सामान्य कीमत स्तर, अब ये जो है ना कीमतें, जो ये कीमतें बढ़ रही है तो ये भी क्या है, ये भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, नकारात्मक। कैसी स्थिति रहेगी, ये भी नकारात्मक स्थिति रहेगी। और अगर ये कीमतें कम हो रही हैं, ये भी स्थिति कैसी है, ये भी नकारात्मक है। अब इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो क्या है, डिमांड अधिक है सप्लाई से यहां पर, तो क्या हो रहा है कीमतें, डिमांड अधिक है सप्लाई से तो कीमतें बढ़ रही हैं, और अगर डिमांड कम है सप्लाई से तो कीमतें घट रही है। अर्थात वहां डिमांड अधिक, यहां सप्लाई अधिक है तो यहां कीमतें घट रही है। अगर आप ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये आपकी इन्फ्लेशन की स्थिति है, यहां पर अगर बात कर रहे हैं तो ये डिफ्लेशन की स्थिति है। अब यहां पर नीचे क्या है, यहां उपभोक्ता को लाभ है, जैसा कि पहले बता चुके हैं, अभी उपभोक्ता को लाभ है यहां, और यहां पर क्या है, उत्पादक को लाभ है। ये दोनों कंडीशन है यहां पर, लेकिन यहां पर दोनों ही स्थितियां क्या है, विकास में बाधक है, विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक है ये दोनों ही स्थितियां। तो ये हो गया आपका कीमत का निर्धारण। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे आने वाली क्लास में जैसे कि आपने देखा यहाँ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात की है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात हम आगे वाले चैप्टर में करने वाले हैं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, और बात करेंगे स्टैगफ्लेशन क्या होता है। यहाँ पर पांच स्थितियों की बात की जाएगी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।